देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ कहकशा परवीन। पुलवामा हमले के बाद से देश भर में क्या माहौल है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। गुस्से और दुख का सैलाब हर तरफ उमड़ा हुआ है। कोई भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं सुनना चाहता। वहीं दोनों देशों के हुक्मरान एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। खैर, दोनों देशों के हुक्मरानों की प्रतिक्रिया को पीछे रखते हुए बात करते हैं दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन की। जाहिर है सोशल मीडिया की सेना की तरफ से भी पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अपने देश में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा उबाल आया कि युद्ध छेड़कर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की डिमांड आने लगी। अपने देश भारत में लोग अपने गुस्से और दर्द को किस तरह बयां कर रहे हैं इससे तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं। कहीं पर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं पर पाकिस्तान के विरोध में नारे लगा रहे हैं। लेकिन हम पर आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान की जनता ने एक हैशटैग एंटी हेट चैलेंज चलाया है। जी हाँ, ठीक वैसा ही जैसा आपने भारत में हाल फिलहाल में हैशटैग मी टू कैंपेन चलाया था। पाकिस्तान की एक पत्रकार सहर मिर्जा ने सबसे पहले इस हैशटैग का यूज किया था। सहर मिर्जा ने हैशटैग का यूज करते हुए एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें वो एक प्ले कार्ड पकड़े नजर आ रही हैं। प्ले कार्ड में लिखा था, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करती हूँ। हैशटैग एंटी हेट चैलेंज, हैशटैग नो टू वॉर। साथ ही कैप्शन में लिखा, मैं पाकिस्तान के साथ इंसानियत का सौदा नहीं करूंगी। हैशटैग वी स्टैंड विद इंडिया, हैशटैग नो टू टेररिज्म। इसके साथ ही फेसबुक पर एक पेज है अमन की आशा, जिसमें सहर मिर्जा के साथ ही कुछ और पाकिस्तानी लड़कियां भी वैसे ही प्ले कार्ड पकड़े नजर आ रही हैं। इन लड़कियों की पोस्ट को काफी शेयर भी किया जा रहा है और हर तरफ इनकी वाहवाही हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इनकी तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर दिस मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस एंड पीस। लाउडेबल इनिटेटिव पाकिस्तानीज, वी हेयर यू। तो ये देखना थोड़ा सुकून का एहसास दिलाता है कि नेता चाहे जितनी बयानबाजी कर रहे हों लेकिन जनता शांति की तरफदारी कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राजसत्ता एक्सप्रेस। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें।